देश के ज्यादातर सूबे बाढ़ से जूझ रहे हैं। हर तरफ जल प्रलय आया हुआ है और इसी तरह के हालात हरियाणा के यमुनानगर के भी हैं, जहां पर जल का जलजला है, जिसकी मुख्य वजह हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी है। यमुनानगर के दर्जनों गांव में जल तांडव मचा हुआ है। बाढ़ की भयावह तस्वीर रूह को कपाने वाली है। किसानों के खेतों को यमुना में समाते साफ देखा जा सकता है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 8,28,000 क्यूसेक पानी किसानों के लिए अभिशाप बन गया। सैकड़ों एकड़ खेत फसलों समेत यमुना में समा गए। सब कुछ गंवाने के बाद अब यमुनानगर के किसानों के पास माथे पर हाथ रखकर अपनी किस्मत पर रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कल तक जिन रास्तों से किसान बाइक और ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने खेतों में जाते थे, आज की बाढ़ की वजह से उन्हें किश्ती की मदद लेनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, किसानों में इस बात की नाराजगी भी दिखी कि दुख की इस घड़ी में अब तक कोई भी अधिकारी उनकी सुध तक लेने नहीं आया। 8 लाख से अधिक पानी आया, ये एक रिकॉर्ड तोड़ पानी था। पानी का बहाव इतना तेज था कि हम केवल दूर से मवेशियों को और पेड़ों को और जो पीछे से जो नुकसान तबाही मचाता हुआ ये पानी आ रहा था वही देख पा रहे थे। अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही तेजी से था और हमारे यमुना पार जो डेरे थे वो नेस्तानबूत हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। हमारे कृषि योग्य जो उपकरण थे वो भी पता नहीं अब सुरक्षित हैं कि नहीं है, क्योंकि हम इधर हैं अभी, अब जा रहे हैं यमुना पार तो देखेंगे हमारे खेतों का क्या तांडव वहाँ तबाही। यमुना नदी का इतना विकराल रूप किसानों ने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। यमुना पार किसानों के दर्जनों कच्चे मकान बने थे, जिन्हें बाढ़ की तेज लहरें अपने साथ बहा ले गई। पूर्व सरपंच सरजीत की तरफ से एक टेलीफोन गया था, उन्होंने कोई आपत्ति जताई थी भी यहाँ पर खनन, जो लाइट माइनिंग जो खनन कर रहे हैं वो बेकायदगी से कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में गुमथला गाँव को नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ आए, मौके पे देखा तो ये बात सही पाई गई। देखने से भी लगता है भाई उन्होंने, खनन वालों ने अपनी सुविधा के मुताबिक खनन किया और पानी का बहाव मोड़ दिया, जबकि पानी का बहाव मोड़ने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। 6 एकड़ जमीन खराब होगी, विध फसल के होगी। जैसे किसानों के जमुना पार डेरे थे जी, हम ना सोचिए, कई डेरे बह भी गए, बर्बादी तो सारी की होगी, कहीं तो समय गई बीच में। वहीं कुछ लोग इस तबाही के पीछे अवैध माइनिंग को मुख्य कारण बता रहे हैं। बताया जा रहा है पिछले लंबे वक्त से माइनिंग माफिया अपने मुनाफे के लिए करोड़ों की लागत से सरकार की तरफ से बनाए गए यमुना नदी के तटबंधों को तोड़कर पोकलेन मशीनों से रेत की खुदाई कर रहे थे, जिसका नतीजा आपके सामने है। किसानों के सिर पर बैंक का कर्जा है, जमीन बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है, बच्चों की पढ़ाई तो दूर, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, किसानों की कमर टूट चुकी है, लोग रास्ते पर आ गए हैं और रास्ते बाढ़ में समा गए हैं। गांव के लोग यमुना नदी के तट पर बने प्रसिद्ध यमुना माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वही महात्मा अखंड तप कर रहे हैं। हर कोई यमुना के शांत रहने की प्रार्थना कर रहा है। R9 TV के लिए यमुना नगर से रण सिंह चौहान की रिपोर्ट।